नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टेड नेक्स्ट एग्जाम में आप सभी लोगों को स्वागत है दोस्तों आज 21 एवं 22 सितंबर 2019 से करंट अफेयर्स एवं जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मेरी वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथियों इस वीडियो की पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम से डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ सभी पी आपको एक साथ मिल जाएंगे फ्रेंड्स ए पी जे अब्दुल कलाम जी ने कहा था लगन एक छोटा सा शब्द है लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है फ्रेंड्स चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं देश के छब्बीसवें नए वायुसेना अध्यक्ष कौन होंगे तो फ्रेंड्स देश के छब्बीसवें नए वायुसेना अध्यक्ष आर के एस भदौरिया जी होंगे आर के एस भदौरिया इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स अगर हम बात करें यानी देश के पच्चीसवें वायुसेना अध्यक्ष जो कि एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ जी तीस सितंबर को रिटायर हो रहे हैं उन्हीं का स्थान भदौरिया जी लेंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद भारत छब्बीस सितंबर को होने वाली सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होगा तो बात यह आती है कि यह बैठक कहाँ होगी तो सार्क की विदेश मंत्रियों की बैठक फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में होगी न्यूयॉर्क इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स अगर हम बात करें सार्क की तो सार्क की फॉर्म क्या होती है सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन क्या साथियों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क फुल फॉर्म है सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी में की गई थी प्रजेंट टाइम में सार्क का हेडक्वाटर काठमांडू नेपाल की राजधानी है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सार्क में शामिल देश कौन कौन से हैं तो सार्क में शामिल देश अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश भूटान भारत मालदीव नेपाल और श्रीलंका शामिल है बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर वर्ल्ड बैम्बू डे वर्ल्ड बैम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंड्स विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है अब बात यह आती है कि विश्व बांस दिवस क्यों मनाया जाता है साथियों यह दिवस बांस उद्योग के संरक्षण और संवर्धन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स अगर बात करें स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है यानी चीन के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन डबल वन डबल जीरो यानी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन ग्यारह सौ की शुरुआत की है तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन ग्यारह सौ की शुरुआत की है बात आई है साथियों हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं कौन सा थी जयराम ठाकुर नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है तो फ्रेंड्स तेलंगाना गवर्नमेंट ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया है फ्रेंड्स बात है तेलंगाना की तो तुरंत माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि तेलंगाना का गठन कब किया गया था तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके तेलंगाना बनाया गया तेलंगाना की साक्षरता दर सिक्सटी है और तेलंगाना का लिंगानुपात नाइन यानी नौ सौ पचासी है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी हैं और तेलंगाना के गवर्नर तिमिलीसाई सुंदराजन जी हैं तेलंगाना में लोकसभा सीट की संख्या सेवनटीन है तेलंगाना की राज्यसभा सीट की संख्या सेवन है एवं तेलंगाना की टोटल विधानसभा सीटों की संख्या वन यानी एक है विधान परिषद की संख्या तेलंगाना में चालीस है और तेलंगाना में टोटल जिलों की संख्या थर्टी थ्री है मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में राजनाथ सिंह किस स्वदेशी लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं तो फ्रेंड्स राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं यानी फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया तेजस विमान को उड़ाने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया तो आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह जी को दिया गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर फ्रेंड्स अब बात यह आती है कि अदर अवार्ड किन किन लोगों को प्रदान किया गया तो आईफा अवार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस कर लेते हैं वेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी वेस्ट सॉरी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया Gefilm, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड विकी कौशल को फिल्म संजू के लिए दिया गया एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को फिल्म राजी के लिए दिया गया फ्रेंड्स सपोर्ट एक्ट्रेस का अवार्ड यानी सपोर्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आदित्य राव हैदरी को फिल्म पद्मावत के लिए दिया गया फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है सिंगर से रिलेटेड कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल में किस में साथियों में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अरिजीत सिंह को दिया गया तो ये क्वेश्चन फीमेल से रिलेटेड भी तो पूछ सकता है कि बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल यानी बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया तो साथियों ये अवार्ड हर्षदीप कौर तथा विभा सराफ जी को दिया गया बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड गुरु रंधावा तथा अमान मलिक को दिया गया सर्वश्रेष्ठ गीतकार तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड अमिताभ भट्टाचार्य जी को दिया गया साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो प्लीज़ एक लाइक जरूर किया करें और अपने फ्रेंड्स जोन में जरूर शेयर कर दिया करें नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में लॉन्च ट्रिब्यूलेंस एंड ट्रम्फ द मोदी पुस्तक के लेखक कौन हैं तो ट्रिब्यूलेंस एंड ट्रम्फ द मोदी पुस्तक के लेखक राहुल अग्रवाल जी कौन राहुल अग्रवाल जो भारतीय प्रधान जी हैं यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन यानी उपयोग दोनों फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए किसने भरोसा खाता बचत लॉन्च किया है तो भरोसा खाता बचत एयरटेल पेमेंट बैंक ने लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए लॉन्च किया है फ्रेंड्स अगर बात करें हम एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तो एयरटेल पेमें एयरटेल पेमेंट्स पेमेंट बैंक की स्थापना 2019 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में नई दिल्ली में है इसके यम यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अनुब्रता विश्वास जी हैं अनुब्रत्ता विश्वास नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पहला अंतर्राष्ट्रीय जम्मू फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा तो पहला अंतर्राष्ट्रीय जम्मू फिल्म महोत्सव जम्मू में आयोजित होगा कहाँ जाते हो जम्मू जम्मू इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इस फिल्म से रिलेटेड और बात करें साथियों तो जम्मू अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उद्घाटन के समय ग्यारह देशों के सैंतीस लघु फिल्मों और वृत्त चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल जियो साइंस अवार्ड नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2018 के लिए किन दो भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा तो फ्रेंड्स नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2018 के लिए सैयद वजीह अहमद किसे सैयद वजीह अहमद नकवी और डॉक्टर सोहने गांगुली जी को दो uh, के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा ऑप्शन एज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इस पुरस्कार को संसदीय कार्य कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने प्रदान किया नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में डब्लू ए डब्ल्यू ई सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया तो डब्ल्यू ए डब्लू ई सम्मेलन का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किया ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स अब बात आई है डब्लू ए डब्ल्यू ई की तो डब्ल्यू ए डब्ल्यू ई की फुल फॉर्म होती है वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेट फॉर एस्पायरिंग वुमेन इंटर इंटरप्रेन्योरशिप क्या साथी हो वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेलरेट फॉर एस्पायरिंग वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंड्स बात आती है कि डब्ल्यू ए डब्ल्यू ई है क्या तो जनरली ये महिलाओं को सशक्त बनाएगी एप और युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देगी फ्रेंड्स अब बात आई है रमेश पोखरियाल निशंक जी की तो रमेश पोखरियाल निशंक जी वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज अंकिला धनंजया पर आईसीसी ने एक वर्ष का बैन लगा दिया तो अंकिला धनंजया पर आईसीसी ने एक वर्ष का बैन लगा दिया जो कि श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं श्रीलंका इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बात आई है श्रीलंका की तो श्रीलंका की दो कैपिटल हैं एक है जयर्धन पूरे कोट्टी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक राजधानी है दूसरी है कोलंबो जो कि कमर्शियल यानी औद्योगिक राजधानी है फ्रेंड्स एक भारत योम श्रीलंका के मध्य खाड़ी पड़ती है पाक की खाड़ी जो कि बहुत फेमस खाड़ी है फ्रेंड्स अगर बात करें आईसीसी की यानी इस क्वेश्चन में बात आई है आईसीसी की तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष शशांक मनोहर जी हैं और आई का मुख्यालय दुबई जो कि यू में है फ्रेंड्स क्रिकेट की बात आई है तो उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आईसीसी विश्व कप 2023 का तेरहवा संस्करण कहाँ आयोजित होगा तो आईसीसी विश्व कप 2023 का तेरहवाँ संस्करण भारत में आयोजित होगा भारत में तो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आईसीसी विश्व कप 2019 का खिताब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता यानी इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा कर विश्व कप 2019 का खिताब जीत लिया नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस राज्य ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में संस्कृत भाषा को कौन सी संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया तो फ्रेंड्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया फ्रेंड्स बात आई है उत्तराखंड की तो उत्तराखंड का गठन नौ नवंबर 2000 को किया गया था प्रजेंट टाइम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्या जी हैं उत्तराखंड में टोटल लोकसभा सीट की संख्या पाँच है टोटल राज्यसभा सीट की संख्या तीन है यो उत्तराखंड में टोटल विधानसभा सीट की संख्या सेवेंटी है इकहत्तर उत्तराखंड में टोटल जिलों की संख्या थर्टीन यानी तेरह है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की वीडियो देखते हुए आप कभी परेशान मत हुआ करें यूँ कहते हैं जिंदगी में हमें बने बनाए रास्ते नहीं मिलते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू द्वारा हाल ही में किस दिन प्रथम विश्व मरीज सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया तो विश्व मरीज सुरक्षा दिवस के रूप में यूएनओ के द्वारा सॉरी फ्रेंड्स डब्ल्यू के द्वारा सात सितंबर यानी सेवनटीन सेप्टेम्बर को सेलिब्रेट किया गया फ्रेंड्स बात आई है डब्ल्यू एच ओ की यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना सात अप्रैल उन्नीस सौ अड़तालीस को की गई थी इसलिए सात अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है और डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वाटर जिनेवा में है प्रेजेंट टाइम में डब्ल्यू एच ओ के अध्यक्ष टेड्रोस एथानोम जी हैं कौन सा हूँ टेड्रोस एथानोम नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस कंपनी ने 2040 तक अपने उद्योग को पूर्ण रूप से कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है तो कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा अमेज़न कंपनी ने 2040 तक की है अमेज़न इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर अब बात आई है अमेजन की तो अमेज़न की स्थापना उन्नीस सौ चौरानवे में, में की गई थी नाइनटीन नाइन्टी फोर में और इसका हेडक्वाटर यानी अमेजॉन का हेडक्वाटर सेटल में है सिएटल वाशिंगटन जो कि यू में है फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम में इसके सी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जेफ बेजोस जी हैं कौन साथी हूँ जेफ बेजोस नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में भारतीय सेना ने चांग थांग क्या साथियों चांग थांग सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया था तो चांग थांग सैन्य अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने लद्दाख में किया कहाँ किया लद्दाख हीज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स अब बात आई है इंडियन आर्मी की यानी भारतीय सेना की तो इंडियन आर्मी की स्थापना 1895 यानी में में किया गया था इसका न्यू दिल्ली है कहा नई दिल्ली प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ रावत जी हैं कौन बिपिन रावत नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस शहर में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है तो साथियों विश्व स्तरीय राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना ग्रेटर नोएडा में गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है ग्रेटर नोएडा इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व ओजोन दिवस सोलह सितंबर को मनाया जाता है सोलह सितंबर इज करेक्ट आंसर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया तो भारत के संविधान में फर्स्ट टाइम संशोधन उन्नीस में किया गया और उन्नीस में संशोधन करके नवी अनुसूची को जोड़ा गया फ्रेंड्स टूडे की उज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है चौदह सितंबर दस जनवरी पंद्रह जनवरी या सोलह सितंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय रेलवे जोन का यानी भारतीय रेलवे का अठारह जोन कौन सा बना है उसका भी ऑप्शन नीचे दिया गया है विशाखापट्टनम या मछलीपट्टनम हैदराबाद या चारबाग तो उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर इसे भी बताएं फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर किया करें जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में बेल आइकन बनाएगा उस बेल आइकन पर आप जरूर प्रेस कर लें ताकि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाए करे तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत